السلام علیکم ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ آپ سب کو خوش و آباد رکھے۔ آج میں آپ کے لیے نیو ریسیپی لے کے آئی ہوں۔ ٹی پارٹی ہو، کوئی بھی ایونٹ ہو تو آپ بیکری سے کیک لیتے ہیں، تو وہی کیک میں آپ کو آج گھر میں بنانا سکھاؤں گی، جن کے لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ ایک کپ میدا لے کے، دو ٹیبل اسپون میدا کم کر کے، دو ٹیبل اسپون ڈال دیں گے کوکو پاؤڈر اور 1 ٹی اسپون ڈال دیں گے بیکنگ پاؤڈر۔ ان تینوں چیزوں کو ڈال کے 3 بار چھان لیں گے۔ پاؤڈر بنا لیں گے۔ 4 انڈے لیں گے اور 1 ٹی اسپون لیں گے آلمنڈ ایسنس، آپ کے پاس کوئی بھی ہے وہ لے لیں، ضروری نہیں ہے آپ یہی لیں۔ کیک مولڈ میں 1 ٹی اسپون آئل ڈال کے بٹر پیپر سے گریس کر لیں گے۔ بیٹر بنانے سے پہلے پتیلے کو رکھ دیں گے پری ہیٹ کرنے کے لیے، سٹینڈ رکھ کے دم جتنی آنچ میں رکھ دیں گے گرم کرنے کے لیے۔ انڈے ڈال دیں گے، اب ہم ڈالتے جائیں گے شوگر اور بیٹ کرتے جائیں گے۔ جب ہمارا بیٹر ایسا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے ہمارا بیٹر ریڈی ہو۔ اب ہم ڈال دیں گے آلمنڈ ایسنس 1 ٹی اسپون، ایک
हल्का सा बीट करना है। अब इसके अंदर ये डाल देंगे मैदा, कोका पाउडर और बेकिंग पाउडर जो हमने छान के रखा हुआ था। बीटर से बीट नहीं करना, इसको फोल्ड करेंगे इसके अंदर डाल। एक साथ नहीं डालेंगे सारा, पहले हाफ डालेंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे, फिर बाकी का हाफ डाल के फोल्ड कर लेंगे। बाकी हाफ डाल देंगे, फोल्ड करेंगे। फोल्ड हमने कर ली है, ग्रेस किए हुए मोड में डालते हैं। बैटर डालकर 3 बार टैप करेंगे, इससे हमारा केक इक्वल बनेगा और बबल नहीं बनेंगे। पर ये हीट पतीले में रखेंगे, 1 घंटा बेक करेंगे, दम जितनी आंच में बेक करेंगे। बेकिंग स्पंज हमारा रेडी हो गया है, 1 घंटा हमने इसे प्रीहीट पतीले में बेक किया था। बटर पेपर उतार देंगे, केक को अब हम कट कर लेंगे 2 पीसेस में दरमियान। केक की फ्रॉस्टिंग के लिए हम जो नाइस व्हिप है इसको हम व्हिप करेंगे। ये जो है व्हिपिंग क्रीम की एक टाइप है, ठीक है, और इसी से इसकी जो फ्रॉस्टिंग होती है बहुत अच्छी होती है। अब जो हमें फ्रॉस्टिंग करनी है ना, उसके लिए जो क्रीम हमें चाहिए वो एक लिक्विड में चाहिए जिसके नम आइस क्रिस्टल्स ना हो। क्रीम को पहले हम पोर आउट करने से पहले शेक कर लेंगे। ये हैप्पी व्हिप जो है ये मिल्की स्पूट की एक प्रोडक्ट है, बहुत ही मज़े की क्रीम है। इसको हम बीट करेंगे।
हमारी क्रीम विप हो चुकी है। अगर हमने इसको चेक करना है कि हमारी क्रीम विप हुई है कि नहीं हुई है, तो एक मेथड है, हम स्पैचुला लेंगे और क्रीम को ऊपर लगा के देखेंगे। अगर ये लगा के देखते हैं, अगर ये नीचे गिर जाती है इसका मतलब विप नहीं हुई है, ये गिरी नहीं है इसका मतलब ये विप हो चुकी है। कैसे क्या हो गए देखते हैं देखते हैं। केक को सॉफ्ट करने के लिए हम इसमें मिल्क डालेंगे। क्रीम से केक को कवर करेंगे। इसको भी हम सॉफ्ट करने के लिए मिल्क डालेंगे ऊपर। क्रीम से केक को कवर करेंगे, इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। इसकी मैंने क्रम्ब कोडिंग की है, अभी इसको हमें नीट करना है क्रीम से। इसको हम नीट करने लगे हैं। हमने केक को डेकोरेट कर दिए। अब क्योंकि ये एनिवर्सरी केक है तो मैं इसका नाम लिखूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और मुझे फीडबैक दें कैसी बनी है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।